सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। नीट यूजी वाले जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब उनके कॉल आते हैं ना तो मैं भी थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। जैसा कि अभी ट्यूटर कैंपेन भी चला था और उसमें हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि सबको आज का इंतज़ार था बेसब्री से कि एनटीए कुछ ना कुछ आज डिसीजन लेगा और एक एनटीए जवाब देगा। लेकिन सभी छात्रों को मायूसी हाथ लगी। एज यूजुअल एनटीए का कोई रेस्पॉन्स नहीं। 1.18 मिलियन ट्वीट्स हुए, हैशटैग चला, कोई उनको फर्क नहीं पड़ा। जब उनसे मिलने की बात के लिए बात की जाती है या उनको आप कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने भी कॉल किया, तो उनका रेस्पॉन्स यही होता है कि नीट को लेके कोई मुलाकात। समझ नहीं आ रहा है कि इतना अन्याय क्यों हो रहा है बच्चों के साथ। आखिर एनटीए क्या चाहता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ इस चीज़ को। अभी मैंने आज दिल्ली पुलिस को, दिल्ली के कमिश्नर को टैग करके एक ट्वीट डाला है। जो वो ट्वीट है उसके अंदर मैंने सीधा लिखा है कि एनटीए से जल्दी नीट के बच्चों की मुलाकात कराई जाए। अदरवाइज इसकी जो जिम्मेदारी है, इसकी जिम्मेदारी अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, कोई बच्चा कुछ कर लेता है या फिर से अग्निपथ बन जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की होगी, एनटीए की होगी। मैंने ट्वीट किया, अब आज आपको क्या करना, उस ट्वीट को रीट्वीट करना है ताकि दिल्ली पुलिस को भी ये फील होना चाहिए कि ये बच्चों की जेन्युइन डिमांड है। क्योंकि जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है वहाँ पे पुलिस कहती है जी आप लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक कर रहे हो, तो हम ताकि आगे ये बोल सके कि हम ब्रेक नहीं कर रहे। ये तो जब आप लोग सुन ही नहीं रहे, आपको भी पहले हमने चेतावनी दी है, आपसे भी पहले आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं सुनेंगे तो क्या होगा। तो ये दिल्ली पुलिस को भी एक तरीके का हमने आग्रह है, और मैं बहुत जल्दी मिलने भी वाला हूँ कमिश्नरी ऑफिस में भी, तो हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप मुलाकात करा दो, एनटीए कम से कम मिलके ये तो बता दे हाँ या ना, और अगर ना तो क्यों, कम से कम रेस्पॉन्स तो दे। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये जो आपके अब तो 30 डेज भी नहीं बचे हैं, ऑलमोस्ट 20 डेज ही बचे हुए हैं, 20 to 25 डेज बचे हुए हैं, कम से कम बच्चा इनको तो यूटिलाइज कर ले। कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होता, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो पढ़ने की, जब आपको लगता है आप सोशल मीडिया पे पहुंच ही जाते हैं, चलो देख लेते हैं क्या चल रहा है, अगर आपको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन आ जाता नो, तो बच्चा अपना 100% देगा। पिछले ही 2 महीने खराब हो गए, अगर यस आ गया तो वेल एंड गुड है, और यस देना भी चाहिए इन लोगों को, क्यों नहीं देंगे यस। तो मैं आप लोगों से अब लास्ट आग्रह ये है कि जो मैंने ट्वीट किया है, मेरा आपको आईडिया पता होगा @ERPawanBadhana ट्विटर पर है, उस पे जाएं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया उसका, वहाँ पर जाकर रीट्वीट करें और उसको कोट ट्वीट करें, और उसको डीसीपी को बोलें, जो भी कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हैं, कि हमारी मुलाकात कराई जाए, कम से कम मुलाकात तो कराई जाए ना। वो तो बात की चीज़ है, रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, मैं सिर्फ इतना आग्रह करता हूँ। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट मिलती रहे। आप मैसेज करते हैं पर्सनली कि सर ये बता दो, मैं नहीं पढ़ पाता मैसेज, भाई 5 से 10 हज़ार मैसेज कहाँ देखो तक पढ़ूंगा, इसलिए सारी अपडेट मैं इसी पर देता रहता हूँ। ठीक है, आज न्यूज चैनल में भी हम इंडिया हेड में आए थे, वहां पर भी अपनी बातें रखी हुई थी सब लोगों ने, बहुत सारे लोग थे, अनुबा जी थे, प्रदीप सर थे, बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ आग्रह ये है कि उसको रीट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करें, और इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुंचा दें ताकि हर बच्चा ये जान सके कि हाँ भाई चल क्या रहा है, और बच्चे रीट्वीट करें। आज हमारा 1000 का रीट्वीट करने का उसका टारगेट होना चाहिए, ताकि इनको ये लगे कि हाँ बच्चों की जेन्युइन डिमांड है। ठीक है, आगे प्रोटेस्ट करना क्या करना वो कल डिसाइड होगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, स्टूडेंट एकता, जिंदाबाद।